गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नियत और कार्य प्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ईआरसीपी परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य एमओयू को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन आप इससे भी खुश नहीं है, वंचित रखना चाहते हैं। माननीय विपक्ष नेता सुनिए, 21 जिलों को पानी से, फिर पीने के पानी से, सिंचाई के पानी से, आपको इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य बैठिए, आप तो कर नहीं पाए। अरे माननीय सदस्य, आप ये 10वीं बार खड़े हुए हो। माननीय सदस्य, यू आर 10th टाइम आज खड़े हुए हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सदन के माध्यम से मैं ईआरसीपी परियोजना को त्वरित गति से इंप्लीमेंट करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इस महती परियोजना के लिए हम स्टेट शेयर समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हमने वैसे परियोजना को और बढ़ाया है, 21 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ये तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको इससे आपत्ति? अरे आपका जो मौका है बोलना ना, मना थोड़ी है। जनता देख रही है। माननीय धारीवाल जी, जब आपका मौका है आपको बोलने देंगे, आप बैठिए। आपका जब भी मौका आए आपको बोलने देंगे नियमों के अनुसार। अभी इनका भाषण सुनिए। अरे आपको क्या, आप सुना नहीं क्या? माननीय सदस्यों, आप जानकर खुशी होगी कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और बेहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इंप्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है। आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो हर चीज में आपत्ति। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय, अभी आप बोलिए, आपका मौका दूंगा, आपका मौका दूंगा। पेयजल एवं सिंचाई हेतु आपको मौका, मुझे कहना पड़ेगा क्या कुछ? मुझे कहना पड़ेगा पेयजल, आप पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही सुनना पड़ेगा परियोजना के तो साथ साथ छोटे छोटे स्तर पर सुनना है तो सुनिए, नहीं तो भाजो आस्थान पांव पे है। श्रीमान धारीवाल जी, मैं आपके नाम पुकार रहा हूँ, बैठिए, आप बैठिए। सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। सुनना पड़ेगा मुझे भाषण। हमारी सरकार जो मौका आएगा तो कार्यकाल में जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब मैं पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा करती हूँ। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगामी 4 वर्षों में 20,000 अपने सीटों में जाइए। आप भी पीछे नहीं बोलेंगे। आप मिर्चा बोरा, इसके तहत आगामी 4 वर्षों में रोहित बोरा 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गाँव में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। सीटों में जाइए, सबसे निवेदन है सीटों में जाइए, वन संरक्षण अपने सीटों में जाइए, अपने
सीट में आगामी वर्ष, अरे आपने भी पढ़ा है पहले, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए, आप एक मिनट मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको थोड़ा आपको लगना चाहिए और अरे सुनिए आपको अरे नेता आपको ये दिक्कत बोल रहे आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पहले सुनिए, बैठिए, मर्यादा की बात, बैठिए, कृपया बैठिए, आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बैठे बोलेंगे देखना चाहिए। देखिए ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो अब हम मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई एतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है, आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। माननीय वित्त मंत्री है, हम तो माननीय हमारी माननीय वित्त मंत्री है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ माननीय कि महिला वित्त मंत्री है और वो बजट पढ़ रही है, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए हर बात। अरे अरे दाजीबाजी आप सीनियर है, सुनिए आपका मौका, सुनिए सुनिए धारीवाल जी, विपक्ष नेता खड़े हो, कोई नहीं खड़ा होगा, धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इस सदन के सीनियर हैं, आप इस सदन के सीनियर हैं, आपसे जो नए लोग शिक्षा भी लेंगे, नेता बोल रहे हैं आप, शिक्षा दीजिए, आप सदन के सीनियर हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे बैठ, जब खड़े तो आप बैठे, ऐसे नहीं होता है, उन मर्यादाओं को, अरे सुनिए, नहीं नहीं आप बैठे, आप ऐसा मत करिए, पहली बात चुनते हैं, ये सदन की गरिमा, सदन की गरिमा हम सबका रखना आवश्यक है, अरे सदन ये सदन है, ये सदन की गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है, हम पक्ष विपक्ष बाद में, लेकिन ये सदन है, ये सदन है, हम पक्ष विपक्ष बाद में, पहले ये सदन है, और इस सदन की गरिमा हर सदस्य को रखना आवश्यक है। हमारी माननीय महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही हैं, आपको कहना है वो आपको मौका मिलेगा, बैठे बैठे श्रीमान, और आपको ये ऐसे थोड़ी है, बोहरा अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, तमाशा बना रखा है तुमने सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, मतलब सदन को आप हमने सदस्यों को संभालिए, नहीं तो आई विल कॉल हिम। माननीय अध्यक्ष जी, बात एक महिला की नहीं है, पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे, आप बजट पढ़ रही हैं, बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि सदन की जो परिपाटी, अरे बैठिए बैठिए, ये आप इसको, अरे माननीय सदस्य आसन पाओ पे, माननीय सदस्य, अरे बैठिए, इसका मेरा काम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अभी आ आ, अरे आपका नेता बोल रहा है, अध्यक्ष जी मैं पहले भी मैंने कहा था आपसे, ये यहाँ पे जो चुन के लोग आए हैं, जनता ने तो चुन के भेज दिए, लेकिन ये सदन की मर्यादा नहीं रख रहे आपके, और आज भी जो बात, इधर भी कई लोग नहीं रख रहे, आज भी जो बात है, मैं ये कहना चाहूंगा, समझाइए, हमारे सदस्यों की मेरी जिम्मेदारी है, सबकी, हमारे सदस्य जो बोल रहे हैं ना, पक्ष की भी है विपक्ष की भी है, आप
वित्त मंत्री जी जो है, अरे ये मेरा काम है ना, अरे ये मेरा काम है, ये मेरा, आपको किसने कहा खड़े होने के लिए? मिस्टर रफीक खान, माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट बोलिए, आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए, आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते, ठीक? ये परिपाटी नहीं है, आप खूब बोलिए, सुनिए, मुख्यमंत्री जी खूब बोलिए, मंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पे जो आप लोगों को बोलना था वो बोल लिए, ये राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है, ये बजट है, अब पढ़िए, बजट वही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ूंगी, आप बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी? आपके मंत्री पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं तो बिल्कुल ओवरटाइम पढ़ती हूं। आप अपने मंत्री को नहीं सुन रहे? चलिए आप पढ़िए, माननीय वित्त मंत्री जी, हम कभी बीच में नहीं बोलेंगे, आप पढ़िए अपना। प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन जीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष